So hello everyone, a very good evening and welcome back to our SHPL webinar. Hope so आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं. So मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग चल रहा है एंड ये जून महीना का लास्ट कुछ ही दिन बाकी है एंड कल एक बहुत ही एक्साइटिंग वेबिनार आप लोग अटेंड किए जो हम लोग सीएमडी सर ने किए थे. सो आप लोग कैसे हैं अभी ये क्लोजिंग के टाइम, ये इतने एक्साइटमेंट क्योंकि रिसेंटली हम लोग का सेलिब्रेशन हुआ है, तो आप लोग कैसे हैं? सो मैं ये जाना. यस, सो ऑल आर रिप्लाइंग. या गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज थोड़ा स्टार्ट करने में लेट हुआ यार, राइट? सो सबको गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक. सो आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं एंड या व्हाट अबाउट मी? सो यहाँ पे एक सवाल आया, व्हाट यू अबाउट यू? सो या आई एम आल्सो फाइन, आई एम वेरी फाइन. सो आप सभी के साथ जब भी ये वेबिनार होता है तो एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है एंड तबियत भी है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग एंड ऐसे ही आप लोग इंटरेक्ट करते रहिए. सो आई एम अनुषा सेन फ्रॉम एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. आज आप लोगों के सामने ये वेबिनार को कंटिन्यू करूंगी मैं विद पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि आज वेडनेसडे है एंड सभी को आप लोगों को शायद पोस्ट पहुंच चुका है कि आज का वेबिनार यानी कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे. सो वेडनेसडे बेसिकली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहते हैं वेबिनार. सो आज भी हम लोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे एंड जो लोग आज फर्स्ट टाइम यानी कि वेरी न्यू टू आवर जूम वेबिनार, जो एकदम फर्स्ट टाइम आज अटेंड कर रहे हैं जूम वेबिनार, उनके पास मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर हम लोग का प्रीवियस यूट्यूब का प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए एंड आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन में जरूर रिपीट करना चाहूंगी. सो आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट होते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. तो आज का जो भी सेशन रहेंगे, ये सेशन के बाद अगर कोई भी सवाल आज के प्रोग्राम रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में आते हैं तो आपको वो मौका दिया जाएगा, आप एंड ऑफ द सेशन आप सवाल कर सकते हैं एंड मैं आपको आंसर करूंगी. सो और आज देर ना करते हुए डायरेक्टली चले जाएंगे हम लोग के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज का टॉपिक जैसे कि जब भी पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर सेशंस होते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत ही मतलब ज्यादा लेडीज लोगों को दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि एसएचपीएल जूम वेबिनार में मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का जूम चल रहा है तो सिर्फ वीमेन ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, मेन भी आते हैं एंड रियली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एसएचपीएल कि आप सभी लोग हर शाम 8 बजे आप लोग जूम के सामने खड़े हो जाते हैं, जूम को ऑन करते हैं. एंड मैंने आज एक चीज भी नोटिस किया कि जब भी मैं ये जूम को लॉग इन किया था तो दैट टाइम इट वॉज टाइम वॉज 7:55. सो 5 मिनट अभी भी बाकी था एंड तब भी दो मेन, यानी कि मैं जेंडर को डिफाइन कर रही हूँ कि वीमेन नहीं, पहले मेन आके बैठे थे वेटिंग रूम में कि कब जूम ओपन होगा. सो रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच. आप लोगों को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद ये एसएचपीएल जूम वेबिनार्स को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए. सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सबके साथ. सो आज का जो टॉपिक है वो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे. सो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक्स में. सो आई नीड अ हेल्प, कैन यू प्लीज सेव मी कि स्क्रीन शेयर हो रहा है? आप लोग क्या मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या नहीं बता के? यू कैन रेज योर हैंड्स टू, आप लोग रेज हैंड्स करके भी बता सकते हैं. यस ओके ओके. सो थैंक यू. आज का टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक देख के शायद आप लोगों को लग रहा है कि आज क्या होने वाला है, यानी कि आज ये टॉपिक, ये जो टर्म है, आज कुछ
मैंने सोचा कि हर रोज तो ये सारी बातें होते रहते हैं, सारे प्रोग्रेस के बारे में बातचीत होते रहते हैं, कि आज कुछ मतलब पहचाना हुआ चीज को, जाना हुआ चीज अगर थोड़ा अलग अंदाज में अगर आप लोगों के सामने शेयर किया जाए तो वो कैसा रहेगा। सो इट्स अ जस्ट अ ट्विस्ट। यहाँ पे कम्युनिटी आज का टॉपिक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई नया टर्म है, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, कोई नया स्कीम आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कम्युनिटी मतलब स्किन प्लस इम्यूनिटी इक्वल्स टू कम्युनिटी। सो थोड़ा अलग अंदाज में आज आप लोगों के साथ स्किन के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करेंगे। सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। सो आज का टॉपिक है कम्युनिटी, यानी कि स्किन के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं स्किन को क्या चाहिए, स्किन में स्किन को कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट रखना चाहिए एंड एवरीथिंग। लेकिन हम लोग सभी लोग ये भी जानते हैं कम्युनिटी में कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन वहां पे क्या है ना, हम लोग स्किप करते हैं या फिर वो पॉइंट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो चलिए आज वो पॉइंट में बात करेंगे, जो पॉइंट छूट जाता है, जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे होते हैं जब बच्चे लड़ाई करते हैं तो हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। सो सेम एज स्किन इम्यून को भी ये ध्यान देना एंड इसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी, आप लोग भी समझेंगे। सो इसीलिए आज का ये टॉपिक है स्किन इम्यूनिटी, यानी कि कम्युनिटी या हुआ नाम है। तो हम लोग ये प्रोडक्ट मतलब ये टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली आज सबको सब कुछ तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हम लोग का फर्स्ट जो दिमाग देख के जो दिमाग में आया था कि व्हाट इज इम्यूनिटी, मतलब स्किन इम्यूनिटी के मतलब होता क्या है, क्या होता है स्किन इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर इतना वेबिनार्स हुआ है, इम्यूनिटी बूस्ट पर इतने सारे जूम वेबिनार्स SHPL ने आपको दिया है, शुभाशीष है, रिद्धि शाह मैम ने दिया है। तो ये सर एंड मैम का दोनों सेशन हम लोग देख चुके हैं कि इम्यूनिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड ये इम्यूनिटी होता क्या है। तो ये सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे अलग से, क्योंकि अभी ये जो कोविड का सिचुएशन गया तो उसमें से तो बच्चे बच्चे को भी इम्यूनिटी, सो इम्यूनिटी को अलग से आप लोगों के साथ शेयर करने का कोई भी मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि व्हाट इज स्किन इम्यूनिटी। अभी बात करेंगे हम लोग स्किन इम्यूनिटी पे। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। अगर कोई भी इश्यू हो रहा है, मेरा स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रहा है, अगर तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है एंड मेरा वॉइस भी क्लियर है, राइट। यस, ओके। सो नहीं, यहाँ पे एक मैंने कमेंट देखा था कि वॉइस रुक जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ, सो आई कैन स्टार्ट राइट नाउ। सो अभी जो मेन वहां पे आते हैं, तो इम्यूनिटी के बारे में सबको पता है, लेकिन व्हाट इज स्किन इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने आज नामकरण दिया है ये टॉप जो वेबिनार होगा इसका की स्किन इम्यूनिटी। सो ये स्किन इम्यूनिटी होता क्या है, सो इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे, सो डेफिनेटली स्किन इम्यूनिटी एक ऐसा चीज है या फिर एक ऐसा बैरियर है, मतलब जो हम लोग के आउटर एनवायरमेंट से हम लोग का जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करना, यानी कि स्किन एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये तो एक मतलब कॉमन फेज है, सब जानते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लेकिन
ये स्किन इम्यूनिटी यानी कि स्किन जो एक बैरियर क्रिएट करता है, ये हम लोग का आउटर एनवायरनमेंट से हम लोग का जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है इसका जो एक बैरियर, इसका जो एक प्रोटेक्शन जो क्रिएट करता है, जो एक फिजिकल एक पैसिव बैरियर क्रिएट करता है, इसका नाम होता है इम्यूनिटी। यानी कि यहाँ पे स्किन में क्या है क्या नहीं है ये तो जरूर आप लोगों को भी पता है, जरूर आएंगे भी नेक्स्ट स्लाइड्स पे, लेकिन स्किन इम्यूनिटी के मतलब ये हम लोगों का कुछ भी, जैसे हम लोग फेस करते हैं कुछ भी इन्फेक्शन, कुछ भी पिंपल्स वगैरह कुछ भी, सो उसको हील, उसको हील करने का जो प्रोसेस है, उसको हील करने का जो टाइम है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन में डायरेक्ट आता है तो उसको कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाए, इसका काम करता है स्किन इम्यूनिटी। यानी कि स्किन में भी, यानी कि स्किन में भी इम्यूनिटी होना चाहिए, स्किन इम्यूनिटी भी होना चाहिए। अगर बॉडी में हम लोग इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड खुद को फाइट करने के लिए, जैसे कोविड की सिचुएशन में हर जगह बोला गया था कि यू हैव इम्प्रूव योर इम्यूनिटी पावर, राइट। सो सेम एज स्किन होता है एंड जिसको हम लोगों को, जो हम लोगों को हेल्प करता है एनी इन्फेक्शन से, एनी आउटर मोस्ट एनवायरमेंटल से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करने में हम लोगों को हेल्प करता है। सो इट्स डेफिनेटली अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो ये जो फाइट करते हैं एक बैरियर की तरह, एक वेपन की तरह, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। So, अगर मैं आपको एक पिक्चर के साथ मैं अगर दिखाना चाहूंगी तो सेम एज लाइक दैट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बैरियर की तरह यहाँ पे हम लोग का स्किन खड़ा है एंड बाहर से बैक्टीरिया बहुत कुछ अटैक करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन स्किन इज कंस्टेंटली फाइटिंग फ्रॉम देम। तो स्किन एक ऐसा चीज है जो रेनकोट की तरह हम लोग को कवर करके रखते हैं, अटैक करते हैं। सबसे आगे अगर हम लोग के बॉडी में कुछ होता है तो सबसे पहले अटैक करते हैं वो स्किन में, राइट। अगर पिंपल्स होता है तो वो पहले स्किन में आता है, इंटरनली तो पहले वो स्किन में दिखाई देता है। अगर कोई भी इंफेक्शन, कोई भी चीज, सो वो कहीं ना कहीं हम लोग का स्किन में सबसे पहले आते हैं। सो स्किन को पहले होना एंड स्किन इम्यूनिटी जो एक प्रॉपर्टी है, जो एक स्किन को एक इन्फेक्शन, एक बॉडी को एक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये स्किन इम्यूनिटी पावर को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए एंड स्किन इम्यूनिटी को सही रखना चाहिए। सो अभी आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि डज स्किन हैव इम्यूनिटी, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। बॉडी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है एंड हम लोग को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए, कोई भी वीक हो जाते हैं तो वी से कि आपको इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम को सही रखना चाहिए, लेकिन क्या स्किन में इम्यूनिटी है, ये एक कॉमन सवाल है, क्या स्किन में इम्यूनिटी है। सो ऑन दैट केस स्किन में डेफिनेटली इम्यूनिटी है, क्योंकि स्किन में एक मतलब एक टोटल नेटवर्क है इम्यून सेल्स का। यानी कि इम्यून सेल्स मतलब एक टिश्यू, जब भी हम लोग सेल्स इकट्ठा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो टिश्यू, राइट। सो एंड वो कहीं ना कहीं ये सवाल इतना बार आए हैं, जब भी किसी के साथ अगर मैं ये शेयर करती हूँ कि स्किन का भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए, तो लोगों का एक सवाल होता है कि क्या स्किन में इम्यूनिटी पावर होता है। So on that case, definitely. And skin में होता है, या फिर इससे भी बेहतरीन तरीके से अगर मैं क्लियर करूंगी आप लोगों के साथ, तो definitely skin is the most valuable organ. मतलब skin ही खुद एक immune power है। So ये skin को स्किन में जो भी इम्यूनिटी पावर है एंड स्किन जैसे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है एंड इसको बरकरार रखना, इसको सही रखना हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इम्यून सिस्टम या फिर स्किन का जो इम्यूनिटी सेल्स है, इम्यून जो सेल्स है, ये सिर्फ आपके स्किन को सही नहीं रखता है, ये आपके स्किन एंड टिश्यूज मतलब स्किन सेल्स एंड टिश्यूज को भी रिकंस्ट्रक्ट करता है।
सो इसको एक प्रॉपर बेस देने के लिए, प्रॉपरली रखने के लिए डेफिनेटली स्किन में जो इम्यूनिटी पावर, जो इम्यून पावर है उसको मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन रखना चाहिए। सो ये आप लोगों के लिए एक साइड में डायग्राम भी डाला हुआ है कि जहां से आप लोगों को पता चले कि ये टिश्यू को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली इम्यूनिटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर स्किन, लेकिन इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको ध्यान ही नहीं देते हैं कि अगर स्किन का इम्यूनिटी पावर सही नहीं रहेगा तो स्किन कैसे फाइट बैक करेंगे। सो इससे हम लोग कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खुद को सही रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, देन वी मस्ट फोकस कि जहां पे सबसे ज्यादा यानी कि द लार्जेस्ट ऑर्गन इज आवर स्किन, राइट। एंड स्किन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है नहीं है, देन हाउ कैन वी बी फाइन। सो यहाँ पे हम लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए, जरूर इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा एंड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो पावर है, इसको सही रखना चाहिए। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर टिश्यू कंस्ट्रक्शंस, टिश्यू को रिकंस्ट्रक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ये स्किन को सबसे अच्छा रखने में, मतलब स्किन को अगर इम्यून पावर अगर स्किन का सही रहेगा तो हम लोग का स्किन अच्छा रहेगा, स्किन हेल्दी रहेंगे। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अभी और भी थोड़ा अगर डिटेल्स में जाएंगे तो डेफिनेटली ये इम्यून सिस्टम कैसे बनता है, अगर थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि ये इम्यून सिस्टम कैसे बनता है, क्योंकि ये वैराइटीज ऑफ सेल से बनता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इम्यून सिस्टम बाहर से डाला जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर से तैयार होता है। तो इसीलिए हम लोग बाहर से हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर बरकरार रखना है तो ये हम लोगों को कुछ सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं, जो ये बनाने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो पहला जो सेल है यानी कि केराटिन ज्यादा हेल्प करते हैं हम लोग का इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में एट फर्स्ट स्टेज। अभी अगर कोई भी एज अ एग्जाम्पल कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन अगर आपको अटैक करना चाहता है तो सबसे पहले ये लड़ते हैं। सो ये जो केराटिनोसाइट्स एक सेल है, इसे केराटिन भी को पता है, लेकिन ये सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। सो ये एक सेल है जिससे हम लोगों का ये इम्यून सिस्टम बनता है एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद अगर और एक सेल में आएंगे तो वो है लैंगरहंस सेल्स, जहां से हम लोग का टी सेल्स का शुरुआत होता है। एंड ये दो सेल कहीं ना कहीं एक कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सबसे पहले जाके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारी इम्यून सिस्टम्स है। एंड इसके बाद जो आते हैं वो है टी सेल्स। टी सेल्स एंड बी सेल्स तो आप लोगों को पता है, ये अलग से आप लोगों के साथ शेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अ वास्ट डिफरेंशिएशन एंड अ वास्ट नॉलेज ऑलरेडी सुभाष मैम ने शेयर कर चुके हैं, तो अलग से मुझे बताना नहीं है। मैं सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ कि ये टी सेल एंड बी सेल बाद में आते हैं हम लोग को फाइट करने के लिए, एंड ये टी सेल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है बी सेल को जगाने में, राइट। सो ये स्टेप वाइज काम करते हैं, हम लोग का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इसके अलावा भी जाएंगे तो अगर एडिशनल कुछ फैक्टर्स में जाएंगे तो एडिशनल कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि हम लोग का सॉल्यूबल फैक्टर्स को हेल्प सॉल्यूबल फैक्टर्स बनाने में हेल्प करते हैं, एंड डेफिनेटली जो हम लोग को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं वो तो पहला है साइटोकाइंस, एंड उसके बाद है एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स, एंड उसके बाद है लिसोजाइम्स। सो ये भी तीन सेल हैं जिसके दौरान भी हम लोगों को एक इम्यूनिटी पावर मिल सकता है एंड हम लोग का करते हैं। सो इस इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये सब सुनने में लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है, इतना सब जान के क्या करेंगे। सो इतना सब हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं एक डायग्राम में अगर दिखाऊंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा। सो आई थिंक
ये जस्ट जानना इट्स इनफ. ऐसा नहीं कि आपको सीखना है या आपको डिटेल्स में जानना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ ये जीस्ट जानना बहुत जरूरी था कि कैसे हम लोग का इम्यून सिस्टम काम करते हैं, कितना सारा सेल्स उसके पीछे काम करते हैं. स्किन तो एक छोटा सा चीज है, स्किन के ऊपर हम, लेकिन इसके पीछे इतनी सारी चीज है. इसके पीछे एक स्किन का जो हम लोग बोलते हैं कि 3 layers are there, लेकिन वो एक लेयर के पीछे भी इतने सारे लेयर्स है. जैसे कि हम लोगों को पता है एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, राइट? लेकिन वो एपिडर्मिस में भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कितना सारा लेयर्स है. तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, ये नहीं, लेकिन ये बेसिक ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्यों स्किन के ऊपर फोकस करें एंड स्किन को क्यों इंपॉर्टेंस दे बनाए. उसके लिए ये जस्ट एक पिक्चर काफी है, तो इतना ज्यादा हम लोग नहीं करते. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग को फोकस करना चाहिए. ये जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. सो इसके साथ जो पॉइंट में हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए उस पे चलते हैं, क्योंकि है क्यों, मतलब ये इम्यून जो पावर है स्किन इम्यूनिटी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज स्किन इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट, तो इसमें चलते हैं. इसमें हम लोगों को सभी को ध्यान देना चाहिए. तो पहला चीज, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है आपके इंटरनल ऑर्गन्स एंड आपके एनवायरमेंटल जो भी कंडीशंस है उसके बीच एक प्रोटेक्टिव बैरियर है. एंड इसके बाद भी अगर मैं और एक भी पॉइंट अगर मैं ऐड करूंगी तो डेफिनेटली ये इट्स अ होस्ट ऑफ एनकाउंटर्स ऑफ योर टॉक्सिन. एंड ये डेफिनेटली आपका कोई भी स्किन का इश्यूज हो रहा है, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी मतलब एनवायरमेंटल तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये जो बैरियर है ये फाइट करने में बहुत ही एक्टिव रहते हैं. एंड इट्सेल्फ एक्टिव इम्यून ऑर्गन. सो स्किन इट्स इम्यून ऑर्गन. सो अगर ये एक इम्यून ऑर्गन है, हम लोगों को पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाना कितना जरूरी है. सो स्किन इट्सेल्फ आ इम्यून ऑर्गन. सो इसको ध्यान रखना, इसको अच्छे से रखना, इसको प्रोटेक्टेड रखना कितना ज्यादा जरूरी होगा. So, इसमें हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए हैं. हम लोग को पता है कि स्किन का केयर करना चाहिए, स्किन को अच्छा रखना चाहिए, स्किन को ग्लोइंग रखना चाहिए, स्किन को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, लेकिन कभी ये पॉइंट में हम लोग फोकस नहीं किए थे कि अगर स्किन खुद एक इम्यून ऑर्गन है तो अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो स्किन को पहले सही रखना होगा आपको, क्योंकि वो भी एक इम्यून ऑर्गन है आपका. सो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर आएंगे अभी और भी फोकसिंग मैटर में आएंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये सबको. तो अगर हम लोग फिर भी अगर किसी को हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं तो हम लोग बहुत आसान तरीके से ये तो समझा सकते हैं कि ये जो कंडीशन है स्किन का, ये कंडीशन से हम लोगों को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. फिर इसके बाद ये जो कंडीशन है इससे हम लोगों को प्रोटेक्टेड रखना है. फिर ये जो कंडीशन है से हम लोग को प्रोटेक्टेड रखना है. इसके बाद जो पिंपल्स का प्रॉब्लम आती है इससे हम लोग को प्रोटेक्टेड रहना है. फिर जो स्किन में जितने सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो रैशेस हो, चाहे वो हाइपोपिगमेंटेशन हो, चाहे वो स्किन इरैप्टेशन हो, स्किन इश्यूज कोई भी हो, अगर ये रोकना है तो स्किन इम्यून, जो स्किन का इम्यूनिटी पावर है, यानी कि स्किन इज ये खुद एक इम्यून ऑर्गन है. सो ये इम्यून ऑर्गन को हम लोग को सही रखना चाहिए. अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा लेना है तो आपकी स्किन को आपको सही रखना है. ये नॉर्मल चीज तो हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन लोगों को सच में ये इनबिल्ट हम लोगों के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि ये कितना रोल प्ले कर रहा है हम लोग के बॉडी में. सो अगर स्किन का इम्यूनिटी पावर सही नहीं रहेगा, अगर स्किन आपका सही नहीं रहेगा तो वो फाइट नहीं कर पाएगा एंड एज अ रिजल्ट यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस वे.
लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये तो सिर्फ मैंने दो तीन चार पिक्चर्स आप लोगों के सामने आज खड़ा किया, ऐसे मतलब 100-100 प्रॉब्लम्स है स्किन का, 100-100 प्रॉब्लम्स. अगर अभी आप लोगों में से ही पूछा जाएगा कि एक एक करके स्किन प्रॉब्लम्स बताइए, तो ये ही तो 100 मिल जाएगा. सो ऐसे बहुत, सो अगर इम्यूनिटी पावर सही नहीं रहेगा तो वो हीलिंग पावर सही नहीं होगा. एज अ रिजल्ट, जैसे कि मैं हर टाइम ये बताती हूँ कि अगर आपका एक देन आवर स्किन हैज अ नेचुरल इम्यून पावर राइट, तो वो एक दिन दो दिन में या फिर तीन दिन में वो नेचुरली वो डब जाता है, नेचुरली वो खत्म हो जाता है. अगर हम लोग दो तीन दिन टाइम देते हैं तो वो नेचुरली वो उसका एक नेचुरल फेज होता है. सबसे ज्यादा तो वो 5-7 दिन लग सकता है, लेकिन नेचुरली वो हील हो सकता है, क्योंकि यानी कि नेचुरल इम्यून पावर है. वो इम्यून पावर से वो नेचुरली कर सकते हैं. हम सभी में ये पावर है, लेकिन अगर हम लोग स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर ये इम्यून ऑर्गन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो नेचुरल हीलिंग पावर कहीं ना कहीं गुम होना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा. सो वो जो पिंपल्स पहले 3-4 दिन में जाता था, वो पिंपल्स 1 महीना में भी नहीं जाएगा. सो ये होता है हम लोगों का नेचुरल पावर जो कि स्किन में प्रेजेंट है. स्किन इटसेल्फ आर इम्यून ऑर्गन. So, इसके ऊपर ध्यान देना सबसे जरूरी है. आई थिंक ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है. अभी आते हैं और एक पॉइंट में कि स्किन को मतलब एकदम जैसे कि हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफर, वैसे ही सेम एज कंसिस्टेंटली स्किन तो फाइट कर रहे हैं, स्किन तो हमेशा एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो हम लोग का स्किन का जो ये नेचुरल इम्यून का जो सिस्टम है, ये नेचुरल जो हीलिंग का सिस्टम है, इसको दबा रहा है. कुछ तो ऐसे चीज है जो हम लोग करते हैं या फिर हम लोग के साथ होता है उसके दौरान ये हम लोग का इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को वीक बना देते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज है, तो उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो फर्स्ट चीज स्ट्रेस लेते हैं तो ये स्किन का इम्यूनिटी पावर और भी वीक हो जाता है, वो हीलिंग नहीं हो सकता है. मानिए कि अगर किसी का पिंपल्स हुआ एंड उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो वो हीलिंग होने में टाइम लगेगा, राइट? सो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड. इसके साथ और एक अगर पॉइंट में आएंगे, पुअर डाइट. आई थिंक ये सुभाषी सर एंड रिद्धि मैम ने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि डाइट आपका सही होना चाहिए. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग का इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए. एंड इसके बाद अगर आएंगे लैक ऑफ स्लीप, डेफिनेटली अगर ये आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन जाइए, 2-3 दिन एकदम आपको नींद में जाना ही नहीं है, ना सुबह ना, आप 2-3 दिन ऐसे कीजिए, आफ्टर 3 डेज और आफ्टर 4 डेज यू विल सी आपके फेस में पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके फेस में रैशेज आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन में रैशेज आना स्टार्ट हो जाएगा. डेफिनेटली डोंट डू दैट. आप बिना नींद के या फिर बिना सोए आप बिल्कुल मत रहिए. ये लैक ऑफ स्लीप इज मतलब ये बहुत ही डेंजरस है स्किन के लिए, जैसे ये बॉडी के लिए डेंजरस है, क्योंकि अगर रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं होती एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, सेम एज ये स्किन के लिए भी बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा करते हैं. सो लैक ऑफ आल्सो अ थिंग वी आर डूइंग और व्हिच इज गोइंग टू बी हैपन, मतलब ये सारी चीज ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाए कि नींद नहीं आ रहा है, राइट? कभी कभी ये ऐसा हो जाता है. सो ऑन दैट केस ये सब हम लोगों का इम्यून सिस्टम को वीकर करने में हेल्प कर रहा है, हम लोग का इम्यून सिस्टम को घट. और एक अगर पॉइंट आएंगे, एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स. अभी ये टॉक्सिन्स के बारे में तो आप लोगों को अलग से कुछ नहीं बताना है, क्योंकि हमेशा आप लोगों को बोला जाता है कि जस्ट इनटेक द गुड थिंग्स टॉक्सिन्स, राइट? इन एवरीथिंग, इन योर नेचर, इन योर बिहेवियर, इन योर फूड, इन योर सप्लीमेंट्स, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि
टेक आउट योर टॉक्सिन्स. इवन हम लोग ये भी बोलते, अगर कोई व्यक्ति में भी टॉक्सिन्स है, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो टॉक्सिक है, हम लोग बोलते हैं कभी कभी बातों पे, राइट, तो हम लोग वो टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, राइट. सो ये हम लोग का एनवायरमेंटल में भी कुछ टॉक्सिन्स चीज है, कुछ टॉक्सिन्स है जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उससे भी हम लोग का इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है, जैसे कि कोविड में हुआ था. तो अभी इसके बाद भी आते हैं तो सर्टेन मेडिकेशंस, अभी ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लेना ही है, मतलब आप वो स्टॉप नहीं कर सकते, आपका कोई मेडिकेशंस चल रहा है. सो उससे आपका स्किन की इम्यूनिटी पावर घट सकता है, ऐसे होते हैं. मतलब आप देखेंगे जो लोग अभी एजेड हो चुके हैं एंड 10-12 साल से मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है एंड वो सही नहीं हो रहा है एंड वो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका मेडिकेशंस, तो उनका स्किन का प्रॉब्लम कभी सही नहीं होगा. स्किन में पिंपल्स, रैशेस, पिगमेंटेशंस, सब कुछ. एंड वो आप कितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर ले वो जाएंगे नहीं. सो इट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम वीकर. सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों के लाइफ में हमेशा होते हैं एंड कुछ कुछ चीज हम खुद करते हैं एंड कुछ कुछ चीज ऐसे हो जाते हैं. सो ये सारे प्रॉब्लम्स से, ये सारे प्रॉब्लम्स से हम लोगों का इम्यून सिस्टम पे नुकसान पहुंच रहा है, हम लोगों का इम्यून सिस्टम वीकर हो रहा है ये सारी चीज से. अगर और भी एक, जैसे कि टॉक्सिन यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किया, और एक भी चीज है जो कि केमिकल्स, वो तो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया स्लाइड्स पे क्योंकि ऑल SHPL फैमिली मेंबर्स आर यूजिंग SHPL प्रोडक्ट्स. सो आप लोग केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया. लेकिन अगर ये SHPL से बाहर से कोई देख रहे हैं तो उनके लिए जरूर मैं ये पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप केमिकल कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आपके स्किन में, आपके हेयर में, कोई कहीं पे भी अगर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपका स्किन का इम्यून सिस्टम को घटा रहा है. सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट्स. हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग को इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी मैटर में हम लोग को कॉन्सर्न होना चाहिए, क्या ऐसा चीजें हैं जो हम लोग के कंट्रोल में है एंड जिससे हम लोग का इम्यूनिटी सकते हैं. सो इफ यू आर कंसर्न्ड, क्या आप कंसर्न्ड है, मैं अभी यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी आप सभी से. आर यू कंसर्न्ड अबाउट योर स्किन? अगर यस है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं एंड यू कैन टाइप यस ऑल्सो, यस टाइप कर सकते हैं कि क्या आप आपकी स्किन के लिए कंसर्न्ड है. यस यस. सो या फ्यू ऑफ देम आर रेजिंग देयर हैंड्स एंड यस ऑल आर कमेंटिंग ऑल्सो. सो आप लोग की स्किन के लिए बहुत ही कंसर्न्ड है, राइट. सो ये कंसर्न अभी दिखाने का टाइम. There are a number of things you can do it to improve. मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया कि इतने सारे नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं स्किन में. अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग कंसर्न है तो. सो क्या मैं आगे बढ़ू, क्या आप लोग कंसर्न है? अगर आप लोग नहीं कंसर्न है तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगी. क्या आप लोग आपके स्किन का इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं? इफ यू टाइप यस देन ओनली आई विल प्रोसीड और अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर. क्योंकि अगर आप लोग कंसर्न नहीं है तो इसके बाद का सेशन आप लोगों के लिए नहीं है. यस, सो ऑल आर कंसर्न अबाउट दैट. All are concerned. Yeah. Thank you everyone for your comments. तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं. Eating a healthy, ये हम लोगों के हाथ में है एंड इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप शुभाशी सर या रिद्धि मैम, आप दोनों से कंसल्ट करके आपका एक हेल्दी डाइट चार्ट आप बना सकते हैं क्योंकि आवर न्यूट्रिशनिस्ट इज देयर ऑलरेडी इज रिद्धि शाह. सो मैम इज देयर, आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए. डाइट का आपको क्या खाना है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको एक डाइट चार्ट भी मिलने वाला है. तो अगर आपका डाइट में प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं. इसके बाद ये एनफ स्लीप, ये तो मतलब कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये खुद हम लोगों के हाथ में है.
अगर नींद लेते हुए टाइम अगर हम लोग बाहर का बारे में सोचेंगे, अगर फोन के बारे में सोचेंगे, अगर फोन में डूबे रहेंगे, अगर स्ट्रेस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो नींद नहीं आने वाला है. सो व्हाइल यू आर गोइंग टू योर बेड, सब टेंशन स्ट्रेस सब कुछ बाहर रखिए, सब कुछ बाहर रख के आप सोने के लिए जाइए. एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ ब्यूटी स्लीप. ब्यूटी स्लीप मतलब एटलीस्ट 7 to 8 hours अ डे इज कंसिडर्ड एज अ ब्यूटी स्लीप. तो आपका नींद पूरी तरीके से होना बहुत ही जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए. सो गेटिंग एनफ स्लीप ये हम लोग के हाथ में है. एंड इसके बाद मैनेजिंग स्ट्रेस, या डेफिनेटली. सो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं. मानिए कि कोई भी काम हम लोगों को निपटाना है, अगर सामने क्लोजिंग है, मानिए कि आज 30 है एंड आज क्लोजिंग है, एंड तक वैसे अच्छे तरीके से अच्छा खासा बीवी नहीं आया है, तो हम लोग अगर और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे तो और भी बीवी नहीं आने वाले हैं. सो यू हैव टू कूल डाउन, वी हैव टू क्लियर आवर स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस ना लेके हम लोग ध्यान देना चाहिए, राइट? तो फिर जाके वो बीवी आएगा. अगर हम लोग घर में बैठ के, हाँ बिजनेस वॉल्यूम अभी तक नहीं आया, 2 घंटा बाकी, अभी क्लोजिंग होने में 3 घंटा बाकी, अभी बिजनेस वॉल्यूम नहीं आया, क्यों नहीं आया, अगर ऐसे हम लोग स्ट्रेस लेंगे तो वो अल्टीमेट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. हम लोग को डेफिनेटली, हम लोग का जो कोटी मिट्स हैं, हम लोग को उनको फोन करना है, उनसे बात करना है कि आप लोग ऐसे ऐसे बिजनेस को कीजिए. एंड लास्ट टाइम में वैसे अगर हम लोग स्ट्रेस लेंगे तो नहीं आएगा, राइट? सो सेम एज इन आवर लाइफ ऑल्सो, इन आवर हेल्थ ऑल्सो. अगर हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं कोई भी मैटर, अगर एक मतलब 5 मिनट के लिए भी स्ट्रेस लेंगे ना, तो वो इम्यूनिटी पावर को घटा रहा है. सो वी डोंट वॉन्ट टू, तैयार होना चाहिए फाइट करने के लिए, चाहे कुछ भी आ जाए सामने से. क्योंकि वी हैव अ सॉन्ग, राइट? SHPL का जो थीम सॉन्ग है कि या मतलब कोई भी चीज आ जाए, आए आंधी या हो तूफा, सामने कुछ आए, स्ट्रेस नहीं होना है. क्योंकि स्ट्रेस लेने से हम लोग का स्किन का कंडीशन और भी खराब होगा. सो ये हम लोग के हाथ में है. एंड इसके बाद अगर आएंगे कि डेफिनेटली यूजिंग अ सनस्क्रीन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड मैं हर वेबिनार में, चाहे मेरा हेयर का टॉपिक हो, चाहे मेरा बॉडी का टॉपिक हो, चाहे कोई भी, मैं एक प्रोडक्ट हमेशा कंस्टेंट बताती हूँ कि यूज अ सनस्क्रीन. क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं आपके इम्यून पावर को बढ़ाने में, आपके इम्यून पावर को. आएंगे और एक प्रोडक्ट में, मतलब और एक पॉइंट है, अवॉइडिंग हार्श सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. यहाँ पे ये पॉइंट सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, मतलब आपके फेस के लिए नहीं है, आपके बॉडी के लिए भी है, आपके हैंड्स के लिए भी है. हम लोग स्किन में तो अच्छे एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एंड हम लोग बाहर का सोप वगैरह केमिकल्स जो सोप्स होते हैं वो यूज कर रहे हैं, एंड दैट यूटेंसिल का जो सोप होता है वो भी हम लोग बाहर का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज. तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम घटेगा नहीं, क्योंकि स्किन ऑल ओवर बॉडी में है, सिर्फ आपके फेस में नहीं है. सो हमको ऑल ओवर बॉडी को लुकआउट करना है. And we have to pay attention to this. हम लोगों को जरूर ये ऐसा नहीं है कि बहुत ये हम लोगों के अफोर्ड में है, ये हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों के हाथ में है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ये ऐसा ना हो कि टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए लाइफ से उससे पहले. सो दैट विल बी बेटर. इट्स प्रिवेंशन इज बेटर देन योर क्योर. सो अभी अगर आते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट में, ये तो सभी को पता है कि यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स. हम लोग को वो सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल, एंटीऑक्सीडेंट्स होगा एंड एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स होगा, यानी कि एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों को यूज करना चाहिए. टिप्स कि क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. अभी मैं अगर प्रोडक्ट्स के साथ आऊंगी तो पहला, अगर अभी तक
आपने नहीं किया है, ये बदलाव अगर आपने अभी तक आपके घरों में नहीं किए हैं, अपने लाइफ में नहीं किए हैं, तो पहला जो बदलाव आपके लाइफ में आना, बदलाव आपने घर, आपके घर में आना चाहिए, वो है फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि है फेस। आपका फर्स्ट बदलाव इससे आना चाहिए, आपके फेस से शुरुआत होना चाहिए। तब आपके फेस वॉश एंड सोप जो कि रेगुलर यूज प्रोडक्ट है, ये दो, फेस वॉश एंड बॉडी सोप, बाथिंग बार। सो ये बदिंग बार के पास, बदिंग बार भी हम लोगों के पास बहुत सारे वैरायटीज में है। सो ये दो प्रोडक्ट आपका बदलाव होना चाहिए, पहला चेंज आपके घर के लिए, आपके लिए। अगर अभी तक आपने ये चेंज आपके लाइफ में नहीं लाए, अगर आपके स्किन इम्यूनिटी पावर को लेके आप कंसर्न है, तो ये दो चीज आज से आपके घर में होना चाहिए एंड कल से ये इस्तेमाल होना चाहिए। सो फेस वॉश एंड बदिंग बार, इस एचपीएल का बहुत सारे बदिंग बार्स हैं, वो स्लाइट, लेकिन बदिंग बार्स भी रेगुलर यूज प्रोडक्ट है, तो वो भी एक फर्स्ट चेंज जो लाइफ में आना चाहिए। सो ये दो प्रोडक्ट फर्स्ट, एंड इसके बाद इसके मैंने कहा सनस्क्रीन। आपको आइडिया भी नहीं है कि सनस्क्रीन के दौरान आपको कितना अच्छा एक प्रोटेक्शन मिल सकता है। वी नेवर दैट गिव दैट इम्पोर्टेंस, मतलब हम लोग कभी वो ध्यान से सोचते ही नहीं है कि एक सनस्क्रीन से कितना कुछ हो सकता है। सो डेफिनेटली दिस इज अ सोल्यूशन फॉर यू। अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये सोल्यूशन है आपके लिए। सो ये है सेकेंड चीज जो आपके हाउस में या फिर जो आपके घर में, जो आपके सराउंडिंग्स में होना चाहिए, वो है सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन हम लोग के पास तीन वैरायटीज की है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि तीन ही घर में होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो आपको चाहिए, आपके हिसाब से आपके लिए जो जरूरत है वो आप लीजिए, लेकिन आपको ये जरूर रखना चाहिए आपके घर में, अगर आपके सिस्टम को, अगर आपके बॉडी को, अगर आपकी स्किन को हेल्दी रखना है तो। एंड इसके बाद अगर आएंगे, डेफिनेटली मतलब ये आपके बॉडी के लिए एंड आपके फेस के लिए, ये दो ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ये एक से काम नहीं चलेगा, ये दो प्रोडक्ट आपके घर में जरूर होना चाहिए, जरूर, क्योंकि ये एक फेस के लिए है एंड ये एक बॉडी के लिए है। हम लोग क्या करते हैं, फेस में तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन बॉडी के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही साबुन लगा लेते हैं, बाहर का कोई भी साबुन, एंड आफ्टर दैट वी वॉश दैट विद वाटर, एंड उसके बाद हम लोग कोई प्रोटेक्शन, कोई केयर करते ही नहीं है। डोंट डू दैट, हम होना चाहिए। एंड ये दो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छे रखने में, अच्छी जिंदगी देने में हेल्प करते हैं। सो क्यों हम लोग पीछे हटेंगे? अगर सिर्फ ये एक दो प्रोडक्ट, अगर आप ये विटामिन ई लोशन अगर आप एक ले लेते हैं, ये आपका दो ढाई महीना ऐसे ही चल जाएगा। सो अगर एक प्रोडक्ट से हम लोग टू मंथ्स या थ्री मंथ्स प्रोटेक्टेड रह सकते हैं खुद, तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? इट्स ऑल इन आवर हैंड्स। ये दो प्रोडक्ट आपके घर में जरूर होना चाहिए। एंड इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने एंटी ऑक्सीडेंट का बात किया, तो फॉर दैट supplements and we have many more products, enormous range of healthcare products, तो वो तो आपके आपको पता है, उसके बारे में नॉलेज है, एंड मंडे को, हर मंडे को आपको नॉलेज मिलता है ऑलरेडी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। सो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन स्किन के लिए अगर मैं एंटी ऑक्सीडेंट का बात करूंगी, देन डेफिनेटली दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अगर आप स्किन को एंटीऑक्सीडेंट डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी सप्लीमेंट खोल के आप स्किन में अप्लाई नहीं कर सकते, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, लोग करते भी नहीं है। सो अगर डायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाना है आपके स्किन में, तो दिस विल प्ले द क्रूशियल रोल ऑन दैट। सो विटामिन सी फेस सीरम इज द अल्टीमेट पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन अ सिंगल पैकेज जो आपके स्किन को प्रोवाइड कर सकता है। इनका बेनिफिट्स के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, बेनिफिट्स के बारे में जितना भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपके स्किन को सही रखने के लिए एंड आपके स्किन को वो एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा पहुंचाने के लिए ये बहुत ही हेल्प करेंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस ऑफ योर स्किन।
जैसे कि हम लोग जब भी सप्लीमेंट्स लेते हैं हम लोग बोलते हैं कि वो स्किन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो हम लोग इंटेक कर रहे हैं राइट, हम लोग डायरेक्टली भी अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, लेकिन एक प्रॉपर अगर मैं बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स डायरेक्ट अप्लाई करना, इससे और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है एंड उसका काम करेगा ये विटामिन सी फेस सीरम। सो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मिराकुलस प्रोडक्ट। रिजल्ट के बारे में अगर पूछेंगे तो यहीं से मतलब 50-60 एग्जांपल्स मिल जाएंगे आप लोगों में से। सो इसको अलग से मैं एडिफाई नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट का बात करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके घर में होना चाहिए। तो आज मैंने जितने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने दिखाया है एंड एक प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बताया सोप, सोप मैंने आज स्लाइड्स में मेरा नहीं था एंड वो सोप्स एंड फेस वॉश एंड उसके बाद जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो सारे प्रोडक्ट आज के बाद अगर किसी के घर में नहीं है, आज के बाद ये जरूर होना चाहिए। अगर खुद को सही रखना है, खुद के स्किन को सही रखना है, खुद के स्किन का इम्यून पावर को सही रखना है, अगर खुद को एक बेहतरीन जिंदगी देना है, तो आपको जरूर स्किन का ध्यान रखना चाहिए ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ। सो ये था आज का वेबिनार एंड बाय फॉलोइंग दिस टिप्स आई होप जितने सारे टिप्स एंड जितने सारे ट्रिक्स एंड जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, आई होप कि ये आपको मतलब बहुत अच्छे से सेफ रखेंगे, आपके स्किन को हेल्दी रखेंगे एंड इट विल गिव यू अ गुड इम्यून पावर ऑफ योर बॉडी एंड इसके साथ आपका बिजनेस का भी एक इम्यून पावर बना सकते हैं ये, क्योंकि हम लोग का लाइफ में अल्टीमेट इम्यूनिटी जो देते हैं, बॉडी का इम्यूनिटी तो सही है वो तो समझ गए हैं, स्किन का इम्यूनिटी भी आज समझ लिए हैं, लेकिन लाइफ का इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम मनी राइट। सो अगर लाइफ का भी इम्यूनिटी लेना है तो डेफिनेटली आप शेयर करके आप बहुत अच्छे एक बिजनेस वॉल्यूम भी बना। सो आज का ये वेबिनार यही तक था। सो आई थिंक ये वेबिनार आप लोगों को हेल्प करेंगे। सो आई थिंक आज का में लोगों का जो कंफ्यूजन था कि हम लोग क्यों स्किन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, क्यों स्किन के इम्यूनिटी के ऊपर, आई थिंक ये आज क्लियर हुआ है। सो कैसा रहा आज का वेबिनार वो आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में एंड अगर कोई भी सवाल है आज के वेबिनार के ऊपर तो हैं, क्योंकि आज मेरा वेबिनार तो यहीं पे खत्म हो गया एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड You all are great. मतलब आप लोगों का ये कमेंट, आप लोगों का रेजिंग हैंड्स हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि जूम में क्या होता है ना, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं तो वो इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोगों का कमेंट्स एंड आप लोगों का जो रेज हैंड्स करने का जो टाइमिंग है, इससे मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के सामने मीटिंग कर रही हूँ। सो दैट फील्स रियली ग्रेट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट, मेकिंग दिस मोर सक्सेस। थैंक यू, मतलब ये आप लोगों के लिए ही पॉसिबल हुआ है एंड अगर कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं एंड आप लास्ट कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आज का ये वेबिनार क्या आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, आज का ये वेबिनार आपके लिए कैसा रहा। ओके सो ऑल आर सबका कमेंट्स आ रहे हैं एंड इतना ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि मैं एक पढ़ते मेरा पीछे 3-4 कमेंट्स आए। सो यू ऑल आर वेरी फास्ट, सो इसीलिए बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है एंड थैंक यू एंड होप सो कि ये वेबिनार आपके बिजनेस को डेफिनेटली, क्लोजिंग इज वेरी नियर, इट्स नॉकिंग एट योर डोर, क्योंकि आज 28 है एंड 29 टुमारो इज ईद। सो कल एक बहुत ही अच्छा त्योहार है जो लोग ईद मनाएंगे उसके लिए, सो टुमारो इज ईद एंड डे आफ्टर टुमारो ये हम लोगों का क्लोजिंग है, यानी कि 30th मंथ जून का क्लोजिंग एकदम नॉकिंग एट योर डोर। सो इसमें लेट ना करते हुए जो भी बिजनेस करना है आज ही करे, वो लास्ट एंड तक ना रखे एंड कंप्लीट योर बिजनेस एंड मेक अ वेरी वेरी गुड क्लोजिंग, क्योंकि ये मंथ का हम लोग नाम दिए थे जून का जुनून। सो ये जून का जुनून सही होना चाहिए सबके लिए। थैंक यू, आई थिंक कोई भी सवाल नहीं है, सो आई कैन क्लोज राइट।
नाउ अगर कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, आप कंटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब. मेरा नंबर डाला हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग नंबर के लिए पूछ रहे थे, सो मेरा नंबर डाला हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहां से ले सकते हैं. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस मोर सक्सेस. रियली आप लोगों के बिना ये सारे जो वेबिनार से इस पेल का अधूरा रह जाएगा. सो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल कर रहे हैं एंड हर ऐसे चलता रहेगा हर शाम 8 बजे. तो एस एच पी एल जूम वेबिनार का फिर से मुलाकात होगा आपके साथ कल शाम मेरे साथ जरूर जूम वेबिनार में फिर से मुलाकात होगा. टिल दैट सेफ बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग एंड मेक अ ट्रिमेंडस क्लोजिंग business. Thank you all. Good night.